नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना आते ही दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली में किसान आंदोलन के चलते धारा 144 पहले से लगी हुई है और दिल्ली के ऐसे इलाके जहां पर मिश्रित आबादी है या फिर ऐसे इलाके जो कि संवेदनशील हैं वहां पर सुरक्षा कड़ी की जा रही है और दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं। साथ में ये जवान लगातार फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। इस वक्त मैं हूँ जामिया विश्वविद्यालय के बाहर और यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं क्योंकि हमने देखा कि सोमवार रात में कुछ छात्रों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। तो लगातार आप देखिए कि ये RAF की जो टुकड़ियाँ हैं वो यहाँ पर लगातार आ रही हैं और इस तरह से जितने भी इलाके संवेदनशील हैं वहाँ पर दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए जा रहे हैं क्योंकि हमने देखा था कि दिसंबर 2019 से लेकर मार्च 2020 तक जो NTCA प्रोटेस्ट था वो हुआ था और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी दिनों तक जो सड़क है वो बंद रही थी। तो दिल्ली पुलिस का कहना ये है कि इस बार जो प्रोटेस्ट है वो नहीं करने दिया जाएगा और इसके चलते एहतियात के तौर पर तमाम इलाकों में ख़ास तौर से ऐसे इलाके जो संवेदनशील हैं और जहाँ पर कोई गड़बड़ी की आशंका हो सकती है वहाँ पर इस तरह से अर्धसैनिक बलों के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए जा रहे हैं। हमने देखा था कि किस तरह से NTCA प्रोटेस्ट के दौरान 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे तो उन इलाकों में बड़े पैमाने पर अर्धसैनिक बलों के जवान और RAF के जवान जो है और दिल्ली पुलिस के जवान वो तैनात किए जा रहे हैं। तो ये एहतियात के तौर पर तैयारी है पुलिस की ताकि कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए। तो CRPF, RAF और दिल्ली पुलिस के जवान तमाम इलाकों में तैनात हैं और ख़ास तौर से जामिया है, उत्तर पूर्वी दिल्ली है, पूर्वी दिल्ली है, मध्य दिल्ली है, इन तमाम जगहों पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती हुई है और सेक्शन 144 लगा दिया गया है। साथ में जो पुलिस के अधिकारी हैं वो आम लोगों से बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि पूरा कानून क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो ये भी तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो जगह जगह जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि जो कानून है वो क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन रजी मोहन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।